हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे एनसीईआरटी मानी छोड़ के अंदर लास्ट क्लास तक हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में कुछ बेसिक चीजों को कवर अप कर लिया था, तो आज हम वहीं से आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखें, नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर ये बात करें अबाउट मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, तो हम यहां तक पहले पहुंच चुके थे, वहीं से हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेटलॉइड्स क्या है? नॉन मेटल्स आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर विद लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बोरोन एंड कार्बन आर एक्सेप्शन। तो इनमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें आप डिटेल में पी ब्लॉक के अंदर पढ़ते हैं। कई नॉन मेटल्स जैसे आपके पास क्लोरीन हो गई, फ्लोरीन हो गई, ये सब गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होता है, आयोडीन लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर। जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं, लेकिन अगर आप बोरोन और कार्बन की बात करो, आप सभी ने बचपन से पढ़ा है ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन, इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कार्बन कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड्स का एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनता है। ठीक, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट नॉन मेटालिक सॉलिड्स आर ब्रिटल एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी से हम बात कर रहा है कि जो नॉन मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, डायमंड, वो ब्रिटल होता है, मेलिएबल मतलब मेलिएबल का उनको आप मोड़, ना, शीट की फॉर्म में मोड़ नहीं सकते, डक्टाइल वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ नहीं कर सकते। एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप। तो आपने बचपन से सीखा है डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज। तो इस पैराग्राफ में अगर हम नॉर्मल बात करें तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो तो जो मेटालिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है, और अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो इन जनरल नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज होता है। बट एक जनरल ट्रेंड है, हमेशा ऐसा हो वो भी जरूरी नहीं, बट जनरली ऐसा होता है। ये भी वही कह रहा है, द एलिमेंट्स बिकम मोर मेटालिक एज वी गो डाउन अ ग्रुप, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वन गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल। द चेंज फ्रॉम मेटालिक टू नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज नॉट एब्रप्ट एज शोन बाय द थिक जिगजैग लाइन इन फिगर 3.3। The elements, examples, silicon, germanium, arsenic, antimony, and tellurium, bordering this line and running diagonally across the periodic table, show properties that are characteristics of both metals and non-metals. These elements are called semi-metals and metalloids. तो हमारी जो periodic table है, उसमें तीन तरह के major elements हैं, metals हैं, non-metals हैं, और metalloids हैं। तो silicon, germanium, arsenic, antimony और जो आपका टेल्यूरियम है, ये सब नॉन मेटलॉइड्स की कैटेगरी में आता है। तो जो हमारी पीरियोडिक टेबल थी ये रही, उसमें आप देख सकते हैं सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम और ये आपका जो एस्टेटाइन है, ये सब रेडियोएक्टिव है, इसलिए हम इनको काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये नाम जरूर याद रखना, जो आपके मेटलॉइड्स हैं सिलिकन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम, ये सब मेटलॉइड्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। प्रॉब्लम 3.4, कंसीडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। तो आप देख सकते हैं आपके पास बेरिलियम है इधर, लिथियम होता है, उसके नीचे आ जाएगा सोडियम, उसके आगे आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आपके पास कौन आ रहा है, सिलिकन और फॉस्फरस। तो बेरिलियम क्या आता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, यहां आ गया सिलिकन, यहां आ गया फॉस्फरस। तो देखो, डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट राइट चलने पर मेटालिक कैरेक्टर कम होता है। तो सबसे अच्छा कैरेक्टर होगा सोडियम का मेटालिक कैरेक्टर, फिर मैग्नीशियम का होगा, उसके बाद आप जाओगे तो आपके पास कौन आएगा, बेरिलियम मेटल आएगा। ठीक है, फिर ये नॉन मेटल है और ये नॉन मेटल है। तो लेफ्ट राइट चलने पर नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो ये आपके पास ऑर्डर बन जाएगा, फॉस्फरस का मेटालिक कैरेक्टर सबसे कम होगा, फिर सिलिकन, फिर बेरिलियम, फिर डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है तो फिर आएगा मैग्नीशियम, और सबसे ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका होगा, सोडियम का। तो सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको आप यहां पर यूज कर सकते हो, सही है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस चैप्टर के अब मेन पार्ट पर। आप लोग आ चुके हैं जहां पर आपको चीजें सीखनी होती है, दैट इज पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर मेजरली आप चार तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हो, एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये बात करते हैं, देयर आर मेनी ऑब्जर्वेबल पैटर्न्स इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एज वी डिसेंड इन अ ग्रुप और मूव अक्रॉस अ पीरियड इन द पीरियडिक टेबल। फॉर एग्जाम्पल, विद इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी टेंड्स टू बी हाई इन ग्रुप वन मेटल्स, लोअर इन एलिमेंट्स टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द टेबल एंड इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम इन द ग्रुप 17,
नॉन मेटल्स। तो ये बात कर रहा है आपसे कि केमिकल रिएक्टिविटी को अगर देखो तो वो मेटलिक फॉर्म में हाई है ग्रुप वन मेटल्स में, लोअर इन एलिमेंट्स टुवर्ड द मिडल ऑफ द टेबल एंड इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम इन द ग्रुप 17 नॉन मेटल्स। याद रखने की जरूरत नहीं है, चिंता न करें, जाने दें, आगे बढ़े। लाइकवाइज विद इन अ ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स से एल्कली मेटल्स, रिप्रेजेंटेटिव मेटल्स कौन सी हो गई, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, रिएक्टिविटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है मतलब रिएक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। वेयर एज विद इन अ ग्रुप ऑफ नॉन मेटल्स से हैलोजन्स, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो नॉन मेटल्स के केस में डाउन द ग्रुप जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, क्यों, ये हम सब आगे पढ़ने वाले हैं। बट वाई डू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स फॉलो दीज ट्रेंड्स एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन पीरियोडिसिटी, टू आंसर दीज क्वेश्चन वी मस्ट लुक इन टू द थियरीज ऑफ एटोमिक स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम। इन दिस सेक्शन वी शैल डिस्कस द पीरियोडिक ट्रेंड्स इन सर्टन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनर्जी लेवल्स। चलिए सॉरी, कुछ लाइट का इश्यू हो गया था, तो ये बढ़ते हैं आगे यहां से और मूव करते हैं। देखें ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो देयर आर नंबरस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोरेशन, एनर्जी ऑफ एटोमेशन एटसेट्रा विच शो पीरियडिक वेरिएशंस। हाउएवर वी शैल डिस्कस द पीरियडिक ट्रेंड्स विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है लेकिन हम किस किस की बात करेंगे, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, सही है, फिर हम लोग बात करेंगे अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एक चैप्टर का शुरू का पार्ट था, हमने बहुत सारे नोट्स नहीं बनाए लेकिन अब आपके बहुत सारे नोट्स यहां पर बनने वाले हैं, तो आइए साथ में बहुत ध्यान से सीखें। अब आपका एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। यू कैन वेरी वेल इमेजिन दैट फाइंडिंग द साइज ऑफ एन एटम इज अ लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड देन मेजरिंग द रेडियस ऑफ अ बॉल। ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके सामने एक बॉल रख दी जाए तो उस बॉल की रेडियस आप आसानी से नाप सकते हो, लेकिन एक एटम जिसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते उसकी रेडियस को मेजर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। लेकिन वो भी कर दिखाया है हमारे साइंटिस्ट ने, कैसे, डू यू नो वाई, फर्स्टली बिकॉज द साइज ऑफ एन एटम इज 1.2×10⁻¹⁰ मीटर इन रेडियस, इज वेरी स्मॉल। सेकेंडली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री, द डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक साइज कैन नॉट बी प्रिसाइज। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझाना चाह रहा है कि एटम की रेडियस को पता करना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि एटम के चारों तरफ एक रीजन बनता है जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ये जो स्पेस होता है रीजन में, ठीक है, दिस इज द रीजन इन स्पेस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड, और इसी रीजन को हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड के नाम से जानते हैं। चलिए फिर से लाइट का जलवा। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज नो प्रैक्टिकल वे बाय विच द साइज ऑफ एन इंडिविजुअल एटम कैन बी मेजर। दैट मींस ऐसा कोई तरीका ही नहीं है प्रैक्टिकल जिससे आप एक एटम की साइज पता कर सको। हाउएवर एन एस्टिमेट ऑफ द एटॉमिक साइज कैन बी मेड By knowing the distance between the atoms in the combined state. जब दो atoms combined state में, आप देखें एक problem ये भी है कि आपको कभी भी एक single atom नहीं मिल सकता है, आपको एक hydrogen atom आप लेकर नहीं आ सकते हो। Atoms हमेशा किस form में exist करते हैं, bonded form में। जिसमें आपसे बात करूं hydrogen, तो hydrogen H2 molecule की form में exist करता है जहां पर दो hydrogen atom एक दूसरे से bonded होते हैं covalent bond के थ्रू। अगर मैं आपसे बात करूं chlorine, तो chlorine के अंदर दो chlorine atom आपस में bonded होते हैं। तो आप बोलोगे सर देखो iron तो single atom exist करता है। नहीं, इस दुनिया में जहां iron मिलता है कि आपको iron का एक atom मिलता है, नहीं ना, एक iron का block होगा, और आप खुद समझते हैं उस iron के block में बहुत सारे atoms हो सकते हैं। तो उस केस में भी क्या होगा, बहुत सारे आयरन एटम्स ऐसे आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो आप एक चीज समझें, जो मेन काम की चीज है यहां पर लिखने की, वो ये है कि एटम्स आर फाउंड इन बॉन्डेड स्टेट एंड देयरफोर their radius
इज ऑल्सो मेजर्ड इन देयर बॉन्डेड स्टेट। ठीक है, तो आपको अगर एक एटम की रेडियस मेजर करनी है तो वो भी आप कहां पर मेजर करोगे, उसकी बॉन्डेड स्टेट में ही मेजर करोगे। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर। देखो जैसे मैं आपसे यहां पे बात करूं कि मेरे पास ही दो एप्पल्स हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एप्पल है और इस एप्पल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। यहां पर दो एप्पल जो है वो आपस में क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एप्पल की रेडियस बताओ, तो आप ऐसा कर लोगे कि इसका सेंटर है और सेंटर्स की जिसकी बाउंड्री है ये एक रेडियस होगी, इसकी दूसरी रेडियस होगी। इसको आप सिंपल टर्म्स में इसकी रेडियस बोल सकते हो ना। लेकिन अब मान लो कि दुनिया में जितने भी एप्पल, ऐसा कोई एप्पल है ही नहीं, मान लो हटाओ उसको, एप्पल ऐसा होता ही नहीं है। मान लो दुनिया के सारे एप्पल ऐसे एग्जिस्ट करते, दुनिया में एप्पल होता ही ऐसा, तो आपको एक सिंगल एप्पल मिल नहीं सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस एप्पल की रेडियस बताओ, तो बताओ आप कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एप्पल का एक सेंटर इमेजिन करोगे, उस सेंटर के बीच के डिस्टेंस का आप क्या कर दो, हाफ। इसे आप इस एप्पल की रेडियस बोल सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दुनिया में अगर सारे के सारे एप्पल इसी फॉर्म में मिलते, तो आप उसकी रेडियस इस तरीके से ही पता कर सकते थे। तो आप मेरी बात समझें, दुनिया में एटम्स जो है वो कभी भी अकेला नहीं मिलता, कोई भी एटम मिलेगा वो इस तरह की फॉर्म मिलेगा, कंबाइन फॉर्म में। इसलिए जब हम उसकी रेडियस डिफाइन करते हैं तो वो कंबाइन फॉर्म में ही करते हैं। आइए एनसीईआरटी के पास वापस चलते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी। So, however, an estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. Like this, combined state में इनके बीच की distance का अगर आप आधा कर दो, तो उसे हम उसकी radius बोल सकते हैं। One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between the two atoms when they are bonded together by a single bond in a covalent molecule, and from this value the covalent radius of the element can be calculated. तो यहां पर जो आपको सबसे पहली रेडियस डिफाइन कर रहा है उसे ये बोल रहा है कोवेलेंट रेडियस। तो देखो कोवेलेंट रेडियस हम किसे कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, जैसे यहां पर ये दो क्लोरीन एटम है, तो दो क्लोरीन एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का अगर आप क्या कर दो, हाफ, तो इस रेडियस को हम इसकी कौन सी रेडियस बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। सिंपल है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। इसलिए नॉन मेटल्स के लिए हम जनरली कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसने एग्जाम्पल भी दिया। देखो फॉर एग्जाम्पल द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर। मतलब कहना चाह रहा है कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 198 पिकोमीटर है। अगर आप इसका आधा कर दो, आधा ये वाली डिस्टेंस, तो ये जो है 99 पिकोमीटर हो गई, और यही इसकी क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। तो इस 99 पिकोमीटर इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं, फॉर मेटल्स, तो देखो नॉन मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड है, कोवेलेंट रेडियस। मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड है, मेटालिक रेडियस। फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटालिक रेडियस व्हिच इज टेकन एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। तो अगर मैं आपसे आगे बढ़ के बात करूं इस वाले केस में कि मेटालिक बॉन्ड, अब देखो मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है वो समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये टर्म समझ में आएंगे। देखो जब दो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन जहां पे मिक्स हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन।
मेटालिक बॉन्ड में छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड में आप देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो बड़ा होता है, लार्ज और हायर ओवरलैपिंग रीजन है। सही है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन स्मॉल है तो अगर आप दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो ज्यादा आएगी और उसकी आधी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। वहीं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो अगर बात को समझें, डेफिनेशन सेम वही है, बस मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग रीजन कम होता है, इसमें ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है, ज्यादा। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, व्हाट इट इज, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड विद व्हाट, मेटालिक बॉन्ड। तो ये वाली जो रेडियस है इसको हम लोग इसकी मेटालिक रेडियस बोलते हैं। अब आप खुद देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, आप खुद सोच के बताओ, है ना। क्योंकि यहां ओवरलैपिंग रीजन कम है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो आप ध्यान रखना मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है। मेटालिक रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है। बोले बात समझ में आती है आपको, तो पढ़े। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर। जो आपके पास सॉलिड कॉपर बनता है, सॉलिड कॉपर, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉपर एटम्स ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लाइक दिस, दैट इज द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो इस कॉपर के सॉलिड लैटिस के अंदर दो कॉपर एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी ने बताइए कितनी है, 256 पिकोमीटर। और इसका अगर आप हाफ कर दो तो वो इसकी क्या कहलाएगी, मेटालिक रेडियस कहलाएगी। हेंस द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर इज असाइंड वैल्यू ऑफ 128 पिकोमीटर। आगे पढ़ो, फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और अ मेटल। तो कंबाइन फॉर्म में हम दोनों को एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। भाई आपको डिस्टेंस कैसे पता लगी, तो एक्सरे मेथड से और किसी दूसरे मेथड से हम इस रेडियस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ फ्यू एलिमेंट आर लिस्टेड इन टेबल 3.6। Two trends are obvious. We can explain these trends in terms of nuclear charge and energy level. Atomic size generally decreases across a period as illustrated in figure 3.4a. Abhi dekh lenge. For the elements of the second period, it is because within the period, the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases, resulting in the increased attraction of electron to the nucleus. तो सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ की बात करते हैं। ये वाली लाइन क्या कहना चाह रही है, देखो ये लाइन कह रही है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलो तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है, और उसका कारण क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो लिखा हुआ भी है यहां पर साफ साफ, न्यूक्लियर चार्ज, ये रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। देखो एक एटम जो होता है ना, एक एटम, उस एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं, कार्बन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, किसी की बात कर लो, है ना। तो कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये कार्बन का आउटर शेल है, आउटर शेल, जिसे आप इसका वैलेंस शेल बोलते हो। क्या बोलते हो, वैलेंस शेल बोलते हो। और ये इसका अंदर वाला शेल है, इसे आप क्या बोलते हो, इसका इनर शेल बोलते हो। तो कार्बन के आउटर शेल के अंदर, तो देखो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और अगर आप यहां से देखो तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और इसके अंदर वाले शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से। अब आप बहुत ध्यान से समझो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है
ये इन बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिपल्शन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों बाहर वाले इनके ऊपर, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे, ठीक है। और वो ये नहीं चाहेंगे कि इस न्यूक्लियस का चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करे। तो हम ये कहते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट और शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। सही है? तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा? आप सोचो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता ना। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता, लेकिन नहीं कर पा रहा है। पूरा चार्ज काम नहीं करेगा, कुछ चार्ज इन पे काम करेगा, बाकी चार्ज इन पे काम करेगा। तो जो बचा कुचा चार्ज, क्या कहते हैं, बचा कुचा चार्ज जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेगा उसी को हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो आप इस टर्म को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज जेड इफेक्टिव? तो जेड इफेक्टिव इज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंसीडरिंग स्क्रीनिंग और शील्डिंग फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग वगैरह कंसीडर करने के बाद आपके पास जो नेट चार्ज इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, ठीक है। अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तभी ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे लेफ्ट राइट चलेंगे बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, तो हर बार इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही जाएगा, है ना। तो बोरोन का कॉन्फिगरेशन होगा देखो 2s2 2p1, तो न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे। कार्बन 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन 2p3, एक प्रोटॉन और बढ़ जाएगा। तो जैसे लेफ्ट राइट चल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इसी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता। तो ये भी कह रहा है कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब देखो, अगर न्यूक्लियस का चार्ज इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ेगा तो इसको अपनी तरफ खींचेंगे। सिंपल है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और उसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये आपको बेसिकली ट्रेंड बता रहा है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती है? डिक्रीज। और साइज डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आगे बढ़े, विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर। क्यों? उसका कारण है, बहुत सिंपल सी बात है। आप देखें यहां पर, वैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो ध्यान दें। इसको मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि साइज थोड़ा इसका छोटा हो गया है। तो एक काम करते हैं, पहले पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, अपना काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप देखें, तो जब एक ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो इस वाले के लिए, तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप
ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप. एटॉमिक साइज जो है वो जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है. एज फॉर ईच एडेड एलिमेंट अ न्यू शेल इज एडेड. देखो क्या कहना चाह रहा है कवि यहां पर, से आप बात करो एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम. तो लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और पोटेशियम जो है वो फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है. बोले बात समझ में आ रही है. तो देखो जब आप लिथियम से सोडियम मूव कर रहे हो तो एक नया शेल ऐड हो रहा है, जब आप सोडियम से पोटेशियम मूव कर रहे हो तो एक और नया शेल ऐड हो रहा है. हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है. तो आप समझना लिथियम में एक शेल था एन इक्वल टू टू, जब आप लिथियम सोडियम गए तो एक और नया शेल बढ़ गया एन इक्वल टू थ्री, फिर एक और नया शेल बढ़ जाएगा एन इक्वल टू फोर. तो सेकेंड वाले की रेडियस इतनी होगी, थर्ड वाले की रेडियस इतनी होगी, फोर्थ वाले की रेडियस जो है वो इतनी होगी. यानी हर बार एक नया शेल ऐड करने पर क्या हो रहा है, साइज जो है वो बढ़ रहा है. बोलो बात समझ में आ रही है. तो इन दोनों पैराग्राफ्स का क्रक्स ये इतनी सी लाइंस हैं, आप इनके ऊपर फोकस करें. देखो लिखा हुआ भी यहां पे साफ साफ पढ़ो. फॉर एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स एज वी डिसेंड द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस. दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये अंदर वाला शेल पूरा भर गया है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स को काम करने नहीं देगा, वो प्रॉपरली शील्ड कर लेगा. तो वो यही कह रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियस. तो इस पूरे पैराग्राफ की एक सिंपल सी अगर मैं आपको समरी दूं तो मैं अगले पेज पे देता हूं इसकी समरी, इसकी कॉपी बना लेते हैं हम एक. और अब आप देखो मैं यहां से इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं. अच्छे मूवमेंट पे चल रहेगा अभी भी, ठीक है. तो हम इस पूरे पार्ट को अगर हटा दें यहां से, जो मैंने लिखा हुआ है, इस पूरे पैराग्राफ की एक सिंपल सी समरी है, और वो ये है कि भाई साहब पीरियडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो जो साइज है वो डिक्रीज होता है एज जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है. और अगर आप इसी पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलोगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है एज अ न्यू एनर्जी शेल इज एडेड एट ईच एलिमेंट. तो हर नए एलिमेंट पर एक नया एनर्जी शेल क्या हो रहा है, एड हो रहा है. आई बात समझ में? चलिए तो फिर चलते हैं आगे. ये देखें उसने टेबल दी हुई है, आई होप आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसका अरेंजमेंट कर देता हूं, मुझे ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, आपको एक क्लियरली दिखेगा. नोट दैट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर बीइंग मोनोटॉमिक. मोनोटॉमिक का मतलब नोबल गैसेस जो है सिंगल सिंगल एटम एक दूसरे से दूर दूर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और इनके बीच में है ना, जैसे मान लो ये हीलियम है, ठीक है, तो कोई भी नोबल गैस के बीच में जो फोर्स काम करता है हम इसका वेंडरवॉल फोर्स. तो हीलियम या फिर किसी भी नोबल गैस के एटम बॉन्डेड स्टेट में नहीं होते हैं. ये कौन सी कंडीशन में होते हैं, नॉन बॉन्डेड कंडीशन में होते हैं. इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे तो उससे हम इसकी वेंडरवॉल रेडियस बोलते हैं. कौन सी रेडियस बोलते हैं, वेंडरवॉल रेडियस. तो ध्यान रखना वेंडरवॉल रेडियस किसके लिए डिफाइंड होती है, जनरली नोबल गैसेस के लिए. तो देखो आपने तीन तरह के रेडियस पढ़ी है, एक आपके पास वेंडरवॉल रेडियस है, एक आपके पास मेटालिक रेडियस है, और एक आपके पास कोवेलेंट रेडियस है. तीन तरह की रेडियस होती है और आप खुद देख सकते हो वेंडरवॉल में एटम्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यहां पर ये एटम जो है ना ये नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है. कौन सी कंडीशन में है, नॉन बॉन्डेड. बॉन्डेड कब होते हैं, जब ओवरलैपिंग होती. तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग थी, कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग थी, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है. तो
आपको इनकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, देखो पढ़ो और जाने दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है, वैंडरवॉल, फिर होती है मेटालिक, और इनमें सबसे छोटी कौन सी रेडियस होती है, कोवेलेंट रेडियस होती है। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं डेटा के ऊपर जो यहां पर इसने दिया हुआ है। तो आप देखें एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड, तो लिथियम 152 लेफ्ट हैंड चलने पर डिग्रीज होगी, बेरिलियम 111, बोरोन 88, 77, 74, 66, 64। सर क्या वैल्यू याद रखनी है? नहीं नहीं नहीं, याद बात कुछ नहीं रखना, ट्रेंड देखना है कि लेफ्ट राइट चलने पर डिक्रीज हो रही है। ये देखो थर्ड पीरियड में भी लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप चलोगे तो देखो साइज इंक्रीज हो रही है, हेलोजन्स के लिए डेटा दिया हुआ है, डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, इन जनरल लेफ्ट टू राइट चलने पर, इन जनरल लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये आपका जनरल ट्रेंड है, सही है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। सेम उसी ट्रेंड को इसने ग्राफ के ऊपर दिखा दिया है, ठीक है? आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम चीज है, एक बार टेबल दी है और एक बार उसकी जगह पर आपको क्या दे दिए हैं, ग्राफ दे दिए, तो कुछ याद बात नहीं करना है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आयनिक रेडियस पर, बहुत ही आसान और लेकिन काम की बहुत है। आयंस की अगर आप बात करें तो आपके पास दो तरह के आयंस होते हैं, है ना? आयंस जो आपके पास होंगे वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे कौन से होते हैं, एनायंस जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। सीखा हुआ आप लोगों ने? तो पढ़े, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन, वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एन एनायन। हम अच्छे से जानते हैं, तो जैसे मान लो आपके पास ये ऑक्सीजन है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है ये, तो फिर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम लोग, पहले आप समझ लो फिर पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही ना? ऑक्सीजन न्यूट्रल है और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है? अब अगर मैं इसका एक एनायन बना दूं ओ माइनस, तो देखो नेगेटिव चार्ज आने से एक प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अगर मैं इससे O2- बना दूं तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन प्रोटॉन 8 ही रहेंगे, सही है? अभी आप क्या करो, O से बनाओ O+, तो जब आप O से O+ बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। ध्यान रखना चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम पे चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। O+ से आप बनाओ O2+, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर 8 प्रोटॉन्स होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप फोकस करें या ध्यान से सुने, यहां पर 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, यहां पर 8 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, और यहां पर वही 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बताओ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कहां होगा, जहां 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं या फिर जहां 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, सही ना? ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां पर होगा, जहां पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आप देखें यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम, यहां अट्रैक्शन फोर्स और कम, तो साइज का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। और आप यहां देखो अब वही 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स यस बढ़ गया होगा, तो साइज और कम हो जाएगा। यहां वही 8 प्रोटॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया, साइज और कम हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कैटायन जो है, एक कैटायन वो अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है, छोटा है, और एक एनायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है, बड़ा है। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर आता जाएगा उसका साइज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर आता जाएगा उसका साइज उतना ही कम होता जाएगा। इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी बाई ई रेशियो। अगर आप इधर से इधर चलो तो पी बाई ई रेशियो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो बताओ साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। सॉरी एक सेकंड,
अच्छा पूरा ही शिफ्ट होगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। तो आप देखो पी बाई रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो यहां अगर मैं इसका पी बाई रेशियो निकालू ओ टू प्लस का तो वो कितना आ जाएगा, छे सॉरी प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 6, 1.3 के आसपास। अगर आप ओ प्लस का निकालो 8/7 1.1 के आसपास, ओ का निकालो तो 8/8 कितना हो गया 1, इसका निकालो 8/9 0.9872 था ना 0.88 के आसपास, इसका निकालो 8/10 ये 0.8 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इधर से इधर जाने पर पी बाई रेशियो कम हो रहा है, इधर से इधर जाने पर P by E रेशियो बढ़ रहा है। ये टेक्निकल टर्म है, P by E रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ना ही बढ़ना है, और जब भी कभी भी कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए पढ़े इस पैराग्राफ को, आइए। Ionic radii can be estimated by measuring the distances between cations and anions in ionic crystals. ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं उनके अंदर, याद रखने जरूरत नहीं। इन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। जनरली अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए लेकिन न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, सेम है। द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, कम हो गया। ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो गया है, वो ये कह रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोरिडा एन एफ माइनस इज 136 वेयर एज एफ इज 64। तो आप देख सकते हो फ्लोरिन का डेटा दिया है इसने, रेडियस फ्लोरिन की है 36 पिकोमीटर, F- की रेडियस उससे कहीं ज्यादा 100 का चेंज आ गया है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते देखो रेडियस में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। और अगर आप F+ ले लोगे तो उसकी साइज और कम हो जाएगी। तो F+ वैसे बनता नहीं है इसलिए उसमें लिखा नहीं है, पर यहां देखो अगर आप देखो सोडियम और Na+ तो सोडियम की रेडियस कितनी है 186 पिकोमीटर और Na+ की रेडियस उससे बहुत कम है विच इज 95 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। So, ये चीज आप जरूर 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 ध्यान रखें कि कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है, और एक एनायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। और दूसरा एक और चीज आप ये लिख सकते हो कि जब आप साइज ऑफ आयन की बात कर रहे हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, वापस जाओ, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपसे यहां पे बात करूं कि मेरे पास ही दो एप्पल्स हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एप्पल है और इस एप्पल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यहां पर दो एप्पल जो है वो आपस में क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एप्पल की रेडियस बताओ तो आप ऐसा कर लोगे कि इसका सेंटर है और सेंटर्स की जिसकी बाउंड्री है ये एक रेडियस होगी, इसकी दूसरी रेडियस होगी, इसको आप सिंपल टर्म्स में इसकी रेडियस बोल सकते हो ना। लेकिन आप मान लो कि दुनिया में जितने भी एप्पल, ऐसा कोई एप्पल है ही नहीं, मान लो हटाओ उसको, एप्पल ऐसा होता ही नहीं है, मान लो दुनिया के सारे एप्पल ऐसे एग्जिस्ट करते, दुनिया में एप्पल होता ही ऐसा, तो आपको एक सिंगल एप्पल मिल नहीं सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस एप्पल की रेडियस बताओ तो बताओ आप कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों एप्पल का एक सेंटर इमेजिन करोगे, उस सेंटर के बीच के डिस्टेंस का आप क्या कर दो, हाफ, इसे आप इस एप्पल की रेडियस बोल सकते हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, दुनिया में अगर सारे के सारे एप्पल इसी फॉर्म में मिलते तो आप उसकी रेडियस इस तरीके से ही पता कर सकते थे। तो आप मेरी बात समझें, दुनिया में एटम्स जो है वो कभी भी अकेला नहीं मिलता, कोई भी एटम मिलेगा वो इस तरह की फॉर्म मिलेगा, कंबाइन फॉर्म में, इसलिए जब हम उसकी रेडियस डिफाइन करते हैं तो वो कंबाइन फॉर्म में ही करते हैं। आइए एनसीईआरटी के पास वापस चलते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी। सो
However, an estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. Like this, combined state में इनके बीच की distance का अगर आप आधा कर दो, तो उसे हम उसकी radius बोल सकते हैं. One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between the two atoms when they are bonded together by a single bond in a covalent molecule, and from this value the covalent radius of the element can be calculated. तो यहां पर जो आपको सबसे पहली radius define कर रहा है उसे ये बोल रहा है covalent radius. तो देखो covalent radius हम किसे कहते हैं, covalent radius is half of the distance between the internuclear distance, दोनों के nucleus के बीच का distance, internuclear distance between two atoms bonded with covalent bond. तो जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, जैसे यहां पर ये दो क्लोरीन एटम है, तो दो क्लोरीन एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का अगर आप क्या कर दो हाफ, तो इस रेडियस को हम इसकी कौन सी रेडियस बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं. सिंपल है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में. इसलिए नॉन मेटल्स के लिए हम जनरली कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं. बात समझ में आ रही है. इसने एग्जांपल भी दिया, देखो फॉर एग्जांपल द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर. मतलब कहना चाह रहा है कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 198 पिकोमीटर है. अगर आप इसका आधा कर दो, आधा ये वाली डिस्टेंस, तो ये जो है 99 पिकोमीटर हो गई, और यही इसकी क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी. तो इस 99 पिकोमीटर इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन. आगे बढ़ते हैं. फॉर मेटल्स, तो देखो नॉन मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड है, कोवेलेंट रेडियस. मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड है, मेटालिक रेडियस. फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटालिक रेडियस विच इज टेकन एज हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल. तो अगर मैं आपसे आगे बढ़ के बात करूं इस वाले केस में कि मेटालिक बॉन्ड, अब देखो मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है वो समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये टर्म समझ में आएंगे. देखो जब दो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है, तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन जहां पे मिक्स हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन. क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन. मेटालिक बॉन्ड में छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड में आप देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो बड़ा होता है, लार्ज और हायर ओवरलैपिंग रीजन है. सही है. तो मेटालिक बॉन्ड में क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन स्मॉल है, तो अगर आप दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो ज्यादा आएगी, और उसकी आधी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा. वहीं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी. तो अगर बात को समझें, डेफिनेशन सेम वही है, बस मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग रीजन कम होता है, इसमें ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है, ज्यादा. तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ the distance, what it is, half of the distance between two atoms bonded with what, metallic bond. तो ये वाली जो radius है इसको हम लोग इसकी metallic radius बोलते हैं. अब आप खुद देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी radius ज्यादा होगी, आप खुद सोच के बताओ, है ना. क्योंकि यहां ओवरलैपिंग रीजन कम है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो आप ध्यान रखना मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है. मेटालिक रेडियस जो है वो
कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है। बोले बात समझ में आती है आपको तो पढ़े। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर। जो आपके पास सॉलिड कॉपर बनता है, सॉलिड कॉपर, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉपर एटम्स ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लाइक दिस, दैट इज द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो इस कॉपर के सॉलिड लैटिस के अंदर दो कॉपर एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कवि ने बताइए कितनी है, 256 पिकोमीटर। और इसका अगर आप हाफ कर दो तो वो इसकी क्या कहलाएगी, मेटालिक रेडियस कहलाएगी। हेंस द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर इज असाइंड वैल्यू ऑफ 128 पिकोमीटर। आगे पढ़ो, फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और अ मेटल। तो कंबाइंड फॉर्म में हम दोनों को एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। भाई आपको डिस्टेंस कैसे पता लगी, तो एक्सरे मेथड से और किसी दूसरे मेथड से हम इस रेडियस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ फ्यू एलिमेंट आर लिस्टेड इन टेबल 3.6। टू ट्रेंड्स आर ऑब्वियस, वी कैन एक्सप्लेन दीज ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3.4a, अभी देख लेंगे। फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ की बात करते हैं। ये वाली लाइन क्या कहना चाह रही है, देखो ये लाइन कह रही है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलो तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है, और उसका कारण क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो लिखा हुआ भी है यहां पर साफ साफ, न्यूक्लियर चार्ज, ये रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। देखो एक एटम जो होता है ना, एक एटम, उस एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं, कार्बन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, किसी की बात कर लो, है ना। तो कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये कार्बन का आउटर शेल है, आउटर शेल, जिसे आप इसका वैलेंस शेल बोलते हो। क्या बोलते हो, वैलेंस शेल बोलते हो। और ये इसका अंदर वाला शेल है, इसे आप क्या बोलते हो, इसका इनर शेल बोलते हो। तो कार्बन के आउटर शेल के अंदर, तो देखो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और अगर आप यहां से देखो तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, और इसके अंदर वाले शेल के अंदर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस तरह से। अब आप बहुत ध्यान से समझो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इन बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिपल्शन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों बाहर वाले, इनके ऊपर, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे, ठीक है। और वो ये नहीं चाहेंगे कि इस न्यूक्लियस का चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करे। तो हम ये कहते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट और शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। सही है, तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, आप सोचो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज इन चार इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता ना। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज इन चार इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता, लेकिन नहीं कर पा रहा है, पूरा चार्ज काम नहीं करेगा, कुछ चार्ज इन पे काम करेगा, बाकी चार्ज इन पे काम करेगा। तो जो बचा कुचा चार्ज, क्या कहते हैं, बचा कुचा चार्ज जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेगा उसी को हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो आप इस टर्म को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज जेड इफेक्टिव,
तो जेड इफेक्टिव इज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंसीडरिंग स्क्रीनिंग और शील्डिंग फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग वगैरह कंसिडर करने के बाद आपके पास जो नेट चार्ज इस न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो अभी ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे लेफ्ट राइट चलेंगे बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, तो हर बार इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में ही जाएगा, है ना। तो बोरोन का कॉन्फिगरेशन होगा देखो 2s2 2p1, न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे। कार्बन 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन 2p3, एक प्रोटॉन और बढ़ जाएगा। तो जैसे लेफ्ट राइट चल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इसी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भी कह रहा है कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड, इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब देखो अगर न्यूक्लियस का चार्ज इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे। सिंपल है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और उसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपको बेसिकली ट्रेंड बता रहा है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज। और साइज डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आगे बढ़े, विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर। क्यों, उसका कारण है बहुत सिंपल सी बात है। आप देखें यहां पर, वैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो ध्यान दें। इसको मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि साइज थोड़ा इसका छोटा हो गया है, तो एक काम करते हैं पहले पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, अपना काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप देखें तो जब एक ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो इस वाले के लिए, तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज जो है वो जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है। एज फॉर ईच एडेड एलिमेंट अ न्यू शेल इज एडेड। देखो क्या कहना चाह रहा है कवि यहां पर, से आप बात करो एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम जो है वो सेकंड पीरियड को बिलोंग करता है, सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और पोटेशियम जो है वो फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। बोले बात समझ में आ रही है। तो देखो जब आप लिथियम से सोडियम मूव कर रहे हो तो एक नया शेल ऐड हो रहा है, जब आप सोडियम से पोटेशियम मूव कर रहे हो तो एक और नया शेल ऐड हो रहा है, हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है। तो आप समझना लिथियम में एक शेल था एन इक्वल टू टू, जब आप लिथियम सोडियम गए तो एक और नया शेल बढ़ गया n इक्वल टू 3, फिर एक और नया शेल बढ़ जाएगा n इक्वल टू 4। तो सेकंड वाले की रेडियस इतनी होगी, थर्ड वाले की रेडियस इतनी होगी, फोर्थ वाले की रेडियस जो है वो इतनी होगी। यानी हर बार एक नया शेल ऐड करने पर क्या हो रहा है, साइज जो है वो बढ़ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों पैराग्राफ्स का क्रक्स ये इतनी सी लाइंस हैं, आप इनके ऊपर फोकस करें। देखो लिखा हुआ भी यहां पे साफ साफ पढ़ो, फॉर एल्कली मेटल्स एंड हेलोजन्स एज वी डिसेंड द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस
एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस. दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस. मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये अंदर वाला शेल पूरा भर गया है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स को काम करने नहीं देगा, वो प्रॉपरली शील्ड कर लेगा. तो यही कह रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियस. तो इस पूरे पैराग्राफ की एक सिंपल से अगर मैं आपको समरी दूं, तो मैं अगले पेज पे देता हूं इसकी समरी, इसकी कॉपी बना लेते हैं हम एक. और अब आप देखो, मैं यहां से इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं. अच्छे मूवमेंट पे चल रहेगा अभी भी, ठीक है. तो हम इस पूरे पार्ट को अगर हटा दें यहां से, जो मैंने लिखा हुआ है, तो इस पूरे पैराग्राफ की एक सिंपल सी समरी है, और वो ये है कि भाई साहब, पीरियडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो जो साइज है वो डिक्रीज होता है एज जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है. और अगर आप इसी पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलोगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है एज अ न्यू एनर्जी शेल इज एडेड एट ईच एलिमेंट. तो हर नए एलिमेंट पर एक नया एनर्जी शेल क्या हो रहा है, एड हो रहा है. आई बात समझ में? चलिए तो फिर चलते हैं आगे. ये देखें, उसने टेबल दी हुई है, आई होप आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका अरेंजमेंट कर देता हूं. मुझे ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, आपको एक क्लियरली दिखेगा. नोट दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसीडर्ड हियर बीइंग मोनोटॉमिक. मोनोटॉमिक का मतलब नोबल गैसेस जैसे सिंगल सिंगल एटम एक दूसरे से दूर दूर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और इनके बीच में है ना, जैसे मान लो ये हीलियम है, ठीक है, तो कोई भी नोबल गैस के बीच में जो फोर्स काम करता है, हम इसका वेंडरवॉल फोर्स. तो हीलियम या फिर किसी भी नोबल गैस के एटम बॉन्डेड स्टेट में नहीं होते हैं. ये कौन सी कंडीशन में होते हैं? नॉन बॉन्डेड कंडीशन में होते हैं. इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे तो उससे हम इसकी वेंडरवॉल रेडियस बोलते हैं. कौन सी रेडियस बोलते हैं? वेंडरवॉल रेडियस. तो ध्यान रखना, वेंडरवॉल रेडियस किसके लिए डिफाइंड होती है? जनरली नोबल गैसेस के लिए. तो देखो, आपने तीन तरह के रेडियस पढ़ी है. एक आपके पास वेंडरवॉल रेडियस है, एक आपके पास मेटालिक रेडियस है, और एक आपके पास कोवेलेंट रेडियस है. तीन तरह की रेडियस होती है, और आप खुद देख सकते हो वेंडरवॉल में एटम्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है. यहां पर ये एटम जो है ना, ये नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है. कौन सी कंडीशन में है? नॉन बॉन्डेड. बॉन्डेड कब होते हैं? जब ओवरलैपिंग होती. तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था, मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग थी, कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग थी, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है. तो आपको इनकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, देखो पढ़ो और जाने दो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है? वेंडरवॉल, फिर होती है मेटालिक, और इनमें सबसे छोटी कौन सी रेडियस होती है? कोवेलेंट रेडियस. आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं डेटा के ऊपर जो यहां पे इसने दिया हुआ है. तो आप देखें, एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड. तो लिथियम 152 लेफ्ट राइट चलने पर डिग्रीज होगी, बेरिलियम 111, बोरोन 88, 77, 74, 66, 64. सर क्या ये वैल्यू याद रखनी है? नहीं नहीं नहीं, याद बात कुछ नहीं रखना, ट्रेंड देखना है कि लेफ्ट राइट चलने पर डिक्रीज हो रही है. ये देखो थर्ड पीरियड में भी लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. डाउन द ग्रुप चलोगे तो देखो साइज इंक्रीज हो रही है. हेलोजन्स के लिए डेटा दिया हुआ है. डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं. इन जनरल लेफ्ट टू राइट चलने पर, इन जनरल लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है. और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है. ये आपका जनरल ट्रेंड है, सही है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं. सेम उसी ट्रेंड को इसने ग्राफ के ऊपर दिखा दिया है, ठीक है. आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. तो सेम चीज है, एक बार टेबल दी है और एक बार उसकी जगह पर आपको क्या दे दिए हैं? ग्राफ दे दिए. तो कुछ याद बात नहीं करना है. चलिए इसके बाद हम चलते हैं आयनिक रेडियस पर. बहुत ही आसान और लेकिन काम की बहुत है.
आयंस की अगर आप बात करें तो आपके पास दो तरह के आयंस होते हैं, है ना। आयंस जो आपके पास होंगे वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे कौन से होते हैं एनायंस जिनके ऊपर क्या होता है नेगेटिव चार्ज होता है। सीखा हुआ है आप लोगों ने। तो पढ़े, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन, वेयर एज गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एन एनायन। हम अच्छे से जानते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास ये ऑक्सीजन है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है ये, तो फिर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम लोग, पहले आप समझ लो फिर पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही ना। ऑक्सीजन न्यूट्रल है और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक एनायन बना दूं ओ माइनस, तो देखो नेगेटिव चार्ज आने से प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पे पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, अगर मैं इससे O2- बना दूं तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लेकिन प्रोटॉन 8 ही रहेंगे, सही है। अभी आप क्या करो, O से बनाओ O+, तो जब आप O से O+ बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। ध्यान रखना चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम पे चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। O+ से आप बनाओ O2+, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर 8 प्रोटॉन्स होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप फोकस करें या ध्यान से सुने, यहां पर 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, यहां पर 8 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, और यहां पर वही 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बताओ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कहां होगा, जहां 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं या फिर जहां 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, सही ना। ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां पर होगा, जहां पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आप देखें यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम, यहां अट्रैक्शन फोर्स और कम, साइज का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। और आप यहां देखो अब वही 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स यस बढ़ गया होगा, तो साइज और कम हो जाएगा। यहां वही 8 प्रोटॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया, साइज और कम हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कैटायन जो है, एक कैटायन वो अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है, छोटा है, और एक एनायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है, बड़ा है। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर आता जाएगा उसका साइज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर आता जाएगा उसका साइज उतना ही कम होता जाएगा। इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी बाई ई रेशियो। अगर आप इधर से इधर चलो तो पी बाई ई रेशियो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो बताओ साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। सॉरी एक सेकंड, अच्छा ये पूरा ही शिफ्ट होगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। तो आप देखो पी बाई रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो यहां अगर मैं इसका पी बाई रेशियो निकालू ओ टू प्लस का, तो वो कितना आ जाएगा, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 6, 1.3 के आसपास। अगर आप O+ का निकालो 8/7, 1.1 के आसपास। O का निकालो तो 8/8 कितना हो गया, 1। इसका निकालो 8/9, 0.9872 था ना, 0.88 के आसपास। इसका निकालो 8/10, ये 0.8 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो इधर से इधर जाने पर पी बाई रेशियो कम हो रहा है, इधर से इधर जाने पर पी बाई ई रेशियो बढ़ रहा है। ये टेक्निकल टर्म है, पी बाई ई रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है जब प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ना ही बढ़ना है। और जब भी कभी भी कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए पढ़े इस पैराग्राफ को, आइए। Ionic radii can be estimated by measuring the distances between cations and anions in ionic crystals. ठीक है, ionic compound जो बनते हैं उनके अंदर, याद रखने जरूरत नहीं। In general, the ionic radii of element exhibit the same trend as the atomic radii. Generally, a cation is smaller than its parent atom,
बिकॉज इट हैज फ्यूअर इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल इट्स न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए लेकिन न्यूक्लियर चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है सेम है। द साइज ऑफ एन एनायन विल बी लार्जर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स वुड रिजल्ट इन इंक्रीज रिपल्शन अमंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड अ डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एनायन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही है, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है कम हो गया। ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो गया है, वो ये कह रहा है। So, for example, the ionic radius of fluoride in F- is 136, whereas F is 64. तो आप देख सकते हो, fluorine का डेटा दिया है इसने, radius fluorine की है 36 picometer, F- की radius उससे कहीं ज़्यादा, 100 का change आ गया है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते देखो रेडियस में कितना डिफरेंस आ रहा है ना? और अगर आप F+ ले लोगे तो उसकी साइज और कम हो जाएगी। तो F+ वैसे बनता नहीं है इसलिए उसे लिखा नहीं है, पर यहां देखो अगर आप देखो सोडियम और Na+ तो सोडियम की रेडियस कितनी है 186 पिकोमीटर और Na+ की रेडियस उससे बहुत कम है विच इज 95 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। सो ये चीज आप जरूर 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 ध्यान रखें कि कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होता है छोटा होता है और एक एनायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। और दूसरा एक और चीज आप ये लिख सकते हो कि जब आप साइज ऑफ आयन की बात कर रहे हो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा क्या ये वापस जाओ, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही ज्यादा होगा और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपसे यहां पे बात करूं कि मेरे पास ही दो एप्पल्स हैं, ठीक है, एक नॉर्मल एप्पल है और इस एप्पल के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, यहां पर दो एप्पल जो है वो आपस में क्या हो चुके हैं कंबाइन हो चुके हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस एप्पल की रेडियस बताओ तो आप ऐसा कर लोगे कि इसका सेंटर है और सेंटर्स की जिसकी बाउंड्री है ये एक रेडियस होगी इसकी दूसरी रेडियस होगी, तो इसको आप सिंपल टर्म्स में इसकी रेडियस बोल सकते हो ना। लेकिन आप मान लो कि दुनिया में जितने भी एप्पल, ऐसा कोई एप्पल है ही नहीं, मान लो हटाओ उसको, एप्पल ऐसा होता ही नहीं है, मान लो दुनिया के सारे एप्पल ऐसे एग्जिस्ट करते, दुनिया में एप्पल होता ही ऐसा, तो आपको एक सिंगल एप्पल मिल नहीं सकता है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस एप्पल की रेडियस बताओ तो बताओ आप कैसे बताओगे, तो आप क्या करोगे इन दोनों एप्पल का एक सेंटर इमेजिन करोगे, उस सेंटर के बीच के डिस्टेंस का आप क्या कर दो हाफ, इसे आप इस एप्पल की रेडियस बोल सकते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? दुनिया में अगर सारे के सारे एप्पल इसी फॉर्म में मिलते तो आप उसकी रेडियस इस तरीके से ही पता कर सकते थे। तो आप मेरी बात समझें, दुनिया में एटम्स जो है वो कभी भी अकेला नहीं मिलता, कोई भी एटम मिलेगा वो इस तरह की फॉर्म मिलेगा कंबाइन फॉर्म में, इसलिए जब हम उसकी रेडियस डिफाइन करते हैं तो वो कंबाइन फॉर्म में ही करते हैं। आइए एनसीईआरटी के पास वापस चलते हैं, क्या कह रही है एनसीईआरटी। सो However, an estimate of the atomic size can be made by knowing the distance between the atoms in the combined state. Like this, combined state में इनके बीच की distance का अगर आप आधा कर दो तो उसे हम उसकी radius बोल सकते हैं। One practical approach to estimate the size of an atom of a non-metallic element is to measure the distance between the two atoms when they are bonded together by a single bond in a covalent molecule, and from this value The covalent radius of the element can be calculated. तो यहां पर जो आपको सबसे पहली रेडियस डिफाइन कर रहा है उसे ये बोल रहा है covalent radius. तो देखो covalent radius हम किसे कहते हैं, covalent radius is half of the distance between the इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड विद कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, जैसे यहां पर ये दो क्लोरीन एटम है, तो दो क्लोरीन एटम जो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होंगे इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का
अगर आप क्या कर दो हाफ, इस रेडियस को हम इसकी कौन सी रेडियस बोलते हैं, कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। सिंपल है, कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में। इसलिए नॉन मेटल्स के लिए हम जनरली कौन सी रेडियस डिफाइन करते हैं, कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है। इसने एग्जाम्पल भी दिया, देखो फॉर एग्जाम्पल द बॉन्ड डिस्टेंस इन द क्लोरीन मॉलिक्यूल इज 198 पिकोमीटर। मतलब कहना चाह रहा है कि ये पूरी जो डिस्टेंस है ये 198 पिकोमीटर है। अगर आप इसका आधा कर दो, आधा ये वाली डिस्टेंस, तो ये जो है 99 पिकोमीटर हो गई, और यही इसकी क्या होगी, कोवेलेंट रेडियस होगी। तो इस 99 पिकोमीटर इज टेकन एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। फॉर मेटल्स, तो देखो नॉन मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड है, कोवेलेंट रेडियस। मेटल्स के लिए कौन सी रेडियस डिफाइंड है, मेटालिक रेडियस। फॉर मेटल्स वी डिफाइन द टर्म मेटालिक रेडियस विच इज टेकन एज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेपरेटिंग द मेटल कोर्स इन द मेटालिक क्रिस्टल। तो अगर मैं आपसे आगे बढ़ के बात करूं इस वाले केस में कि मेटालिक बॉन्ड, अब देखो मेटालिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या फर्क होता है वो समझने की कोशिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये टर्म समझ में आएंगे। देखो जब दो एटम्स के बीच में मेटालिक बॉन्ड बनता है तो ये जो रीजन होता है ना, ये वाला रीजन जहां पे मिक्स हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरलैपिंग रीजन। क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग रीजन। मेटालिक बॉन्ड में छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन अगर कोवेलेंट बॉन्ड में आप देखो तो कोवेलेंट बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग रीजन होता है वो बड़ा होता है, लार्ज और हायर ओवरलैपिंग रीजन है। सही है। तो मेटालिक बॉन्ड में क्योंकि ओवरलैपिंग रीजन स्मॉल है, तो अगर आप दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस निकालोगे तो वो ज्यादा आएगी और उसकी आधी वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। वहीं कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये वाली वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। तो अगर बात को समझें, डेफिनेशन सेम वही है, बस मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग रीजन कम होता है, इसमें ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है, ज्यादा। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस। व्हाट इट इज, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड विद व्हाट, मेटालिक बॉन्ड। तो ये वाली जो रेडियस है इसको हम लोग इसकी मेटालिक रेडियस बोलते हैं। अब आप खुद देखो और मुझे बताओ कि इन दोनों में से कौन सी रेडियस ज्यादा होगी, आप खुद सोच के बताओ, है ना। क्योंकि यहां ओवरलैपिंग रीजन कम है, डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो आप ध्यान रखना मेटालिक रेडियस जो होती है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है। मेटालिक रेडियस जो है वो कोवेलेंट रेडियस से क्या होती है, ज्यादा होती है। बोले बात समझ में आती है आपको, तो पढ़े। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कॉपर एटम्स इन सॉलिड कॉपर इज 256 पिकोमीटर। जो आपके पास सॉलिड कॉपर बनता है, सॉलिड कॉपर, उसमें क्या होता है, बहुत सारे कॉपर एटम्स ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, लाइक दिस, दैट इज द नेचर ऑफ मेटालिक बॉन्ड। तो इस कॉपर के सॉलिड लैटिस के अंदर दो कॉपर एटम्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कभी ने बताइए कितनी है, 256 पिकोमीटर। और इसका अगर आप हाफ कर दो तो वो इसकी क्या कहलाएगी, मेटालिक रेडियस कहलाएगी। हेंस द मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर इज असाइंड वैल्यू ऑफ 128 पिकोमीटर। आगे पढ़ो। फॉर सिंप्लिसिटी इन दिस बुक वी यूज द टर्म एटॉमिक रेडियस टू रेफर टू बोथ कोवेलेंट और मेटालिक रेडियस डिपेंडिंग ऑन वेदर द एलिमेंट इज नॉन मेटल और अ मेटल। तो कंबाइन फॉर्म में हम दोनों को एटॉमिक रेडियस बोल देते हैं। एटॉमिक रेडियाई कैन बी मेजर्ड बाय एक्सरे और अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। भाई आपको डिस्टेंस कैसे पता लगी, तो एक्सरे मेथड से और किसी दूसरे मेथड से हम इस रेडियस को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। चलिए, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अ फ्यू एलिमेंट आर लिस्टेड इन टेबल 3.6। Two trends are obvious. We can explain these trends in terms of nuclear charge and energy level. Atomic size generally decreases across a period as illustrated in figure 3.4a. Abhi dekh lenge. For the elements of the second period, it is because within the period, the outer electrons are in the same valence shell and the effective nuclear charge increases as the atomic number increases,
रिजल्टिंग इन द इंक्रीज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले हम इस पूरे पैराग्राफ की बात करते हैं। ये वाली लाइन क्या कहना चाह रही है, देखो ये लाइन कह रही है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलो तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज जो होती है वो डिक्रीज होती है, और उसका कारण क्या है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज होता है। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो लिखा हुआ भी है यहां पर साफ साफ, न्यूक्लियर चार्ज, ये रहा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। देखो एक एटम जो होता है ना, एक एटम, उस एटम के अंदर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। जैसे मान लो मैं आपसे बात करता हूं, कार्बन की बात कर लो, नाइट्रोजन की बात कर लो, किसी की बात कर लो, है ना। तो कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। तो ये कार्बन का आउटर शेल है, आउटर शेल, जिसे आप इसका वैलेंस शेल बोलते हो। क्या बोलते हो? वैलेंस शेल बोलते हो। और ये इसका अंदर वाला शेल है, इसे आप क्या बोलते हो? इसका इनर शेल बोलते हो। तो कार्बन के आउटर शेल के अंदर, तो देखो ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, और अगर आप यहां से देखो तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर चार इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और इसके अंदर वाले शेल के अंदर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से। अब आप बहुत ध्यान से समझो, ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये इन बाहर वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिपल्शन। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों बाहर वाले, इनके ऊपर, इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। ठीक है, और वो ये नहीं चाहेंगे कि इस न्यूक्लियस का चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करे। तो हम ये कहते हैं कि जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट और शील्ड आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम न्यूक्लियर चार्ज। सही है? तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो इन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के चार्ज से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। तो अब क्या होगा, आप सोचो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता ना। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो न्यूक्लियस का सारा चार्ज इन चारों इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता, लेकिन नहीं कर पा रहा है। पूरा चार्ज काम नहीं करेगा, कुछ चार्ज इन पे काम करेगा, बाकी चार्ज इन पे काम करेगा। तो जो बचा कुचा चार्ज, क्या कहते हैं, बचा कुचा चार्ज जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे काम करेगा उसी को हम उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो आप इस टर्म को समझने की कोशिश करें, व्हाट इज जेड इफेक्टिव? तो जेड इफेक्टिव इज द नेट चार्ज एक्टिंग ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर कंसीडरिंग स्क्रीनिंग और शील्डिंग फ्रॉम इनर इलेक्ट्रॉन्स। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से शील्डिंग वगैरह कंसीडर करने के बाद आपके पास जो नेट चार्ज इस न्यूक्लियस, इस इलेक्ट्रॉन पे काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तब ध्यान रखना कि लेफ्ट टू राइट चलने पर, लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है? हमेशा बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे लेफ्ट राइट चलेंगे, बोरोन, बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, तो हर बार इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में ही जाएगा, है ना। तो बोरोन का कॉन्फिगरेशन होगा देखो 2s2 2p1, तो न्यूक्लियस में 5 प्रोटॉन होंगे। कार्बन 2s2 2p2, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया तो न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन बढ़ जाएगा। नाइट्रोजन 2p3, 1 प्रोटॉन और बढ़ जाएगा। तो जैसे लेफ्ट राइट चल रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जा रहे हैं।
अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि इसी वजह से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आपको एक बहुत सिंपल सी चीज यहां पर ध्यान रखनी है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता। तो ये भी यही कह रहा है कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड पीरियड। इट इज बिकॉज विद इन द पीरियड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर इन द सेम वैलेंस शेल एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब देखो, अगर न्यूक्लियस का चार्ज इन आउटर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बढ़ेगा तो ये इसको अपनी तरफ खींचेंगे। सिंपल है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और उसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये आपको बेसिकली ट्रेंड बता रहा है कि पीरियडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होती है, डिक्रीज। और साइज डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। आगे बढ़े, विद इन अ फैमिली और वर्टिकल कॉलम ऑफ द पीरियडिक टेबल एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस रेगुलरली विद एटॉमिक नंबर। क्यों? उसका कारण है, बहुत सिंपल सी बात है। आप देखें यहां पर, वैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना तो ध्यान दें। इसको मैं बाद में बनाऊंगा क्योंकि साइज थोड़ा इसका छोटा हो गया है, तो एक काम करते हैं, पहले पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ लेंगे, थोड़ा सा ही करते हैं, ज्यादा नहीं करते हैं, अपना काम हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब आप देखें, तो जब एक ग्रुप की आप बात कर रहे हो तो इस वाले के लिए, तो ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज जो है वो जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है। एज फॉर ईच एडेड एलिमेंट अ न्यू शेल इज एडेड। देखो क्या कहना चाह रहा है कवि यहां पर, से आप बात करो एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम जो है वो सेकेंड पीरियड को बिलोंग करता है, सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है, और पोटेशियम जो है वो फोर्थ पीरियड को बिलोंग करता है। बोले बात समझ में आ रही है? तो देखो, जब आप लिथियम से सोडियम मूव कर रहे हो तो एक नया शेल ऐड हो रहा है, जब आप सोडियम से पोटेशियम मूव कर रहे हो तो एक और नया शेल ऐड हो रहा है, हर बार एक नया शेल ऐड हो रहा है। तो आप समझना, लिथियम में एक शेल था एन इक्वल टू टू, जब आप लिथियम सोडियम गए तो एक और नया शेल बढ़ गया एन इक्वल टू थ्री, फिर एक और नया शेल बढ़ जाएगा एन इक्वल टू फोर। तो सेकंड वाले की रेडियस इतनी होगी, थर्ड वाले की रेडियस इतनी होगी, फोर्थ वाले की रेडियस जो है वो इतनी होगी। यानी हर बार एक नया शेल ऐड करने पर क्या हो रहा है, साइज जो है वो बढ़ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो इन दोनों पैराग्राफ्स का क्रक्स ये इतनी सी लाइंस हैं, आप इनके ऊपर फोकस करें। देखो लिखा हुआ भी यहां पे साफ साफ पढ़ो, फॉर एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स एज वी डिसेंड द ग्रुप द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन इंक्रीजेस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। दिस हैपेंस बिकॉज द इनर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स विच सर्व टू शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द पुल ऑफ द न्यूक्लियस। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब ये अंदर वाला शेल पूरा भर गया है तो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स को काम करने नहीं देगा, वो प्रॉपरली शील्ड कर लेगा। तो वो यही कह रहा है, कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एज रिफ्लेक्टेड इन द एटॉमिक रेडियस। तो इस पूरे पैराग्राफ की एक सिंपल से अगर मैं आपको समरी दूं, तो मैं अगले पेज पे देता हूं इसकी समरी, इसकी कॉपी बना लेते हैं हम एक। और अब आप देखो, मैं यहां से इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं, अच्छे मूवमेंट पे चल रहेगा अभी भी, ठीक है। तो हम इस पूरे पार्ट को अगर हटा दें यहां से, जो मैंने लिखा हुआ है, तो इस पूरे पैराग्राफ की एक सिंपल सी समरी है, और वो ये है कि भाई साहब पीरियडिक टेबल में अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो जो साइज है वो डिक्रीज होता है एज जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर आप इसी पीरियडिक टेबल में टॉप टू बॉटम चलोगे तो साइज जो है वो इंक्रीज होता है एज अ न्यू एनर्जी शेल इज एडेड।
एट ईच एलिमेंट, तो हर नए एलिमेंट पर एक नया एनर्जी शेल क्या हो रहा है, एड हो रहा है। आई बात समझ में? चलिए तो फिर चलते हैं आगे। ये देखें, उसने टेबल दी हुई है, आई होप आपको क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इसका अरेंजमेंट कर देता हूं, मुझे ब्राइटनेस कम करनी पड़ेगी, आपको क्लियरली दिखेगा। नोट दैट द एटॉमिक रेडियाई ऑफ नोबल गैसेस आर नॉट कंसिडर्ड हियर बीइंग मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक का मतलब नोबल गैसेस जो है सिंगल सिंगल एटम एक दूसरे से दूर दूर ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, और इनके बीच में है ना, जैसे मान लो ये हीलियम है, ठीक है, तो कोई भी नोबल गैस के बीच में जो फोर्स काम करता है इसे हम इसका वेंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। तो हीलियम या फिर किसी भी नोबल गैस के एटम बॉन्डेड स्टेट में नहीं होते हैं। ये कौन सी कंडीशन में होते हैं? नॉन बॉन्डेड कंडीशन में होते हैं। इस सिचुएशन में इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का अगर आप हाफ कर दोगे तो उससे हम इसकी वेंडरवॉल रेडियस बोलते हैं। कौन सी रेडियस बोलते हैं? वेंडरवॉल रेडियस। तो ध्यान रखना, वेंडरवॉल रेडियस किसके लिए डिफाइंड होती है? जनरली नोबल गैसेस के लिए। तो देखो, आपने तीन तरह के रेडियस पढ़ी है। एक आपके पास वेंडरवॉल रेडियस है, एक आपके पास मेटालिक रेडियस है, और एक आपके पास कोवेलेंट रेडियस है। तीन तरह की रेडियस होती है, और आप खुद देख सकते हो वेंडरवॉल में एटम्स के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर ये एटम जो है ना, ये नॉन बॉन्डेड कंडीशन में है। कौन सी कंडीशन में है? नॉन बॉन्डेड। बॉन्डेड कब होते हैं? जब ओवरलैपिंग होती है। तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था मेटालिक बॉन्ड में ओवरलैपिंग थी, कोवेलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग थी, लेकिन यहां पर ओवरलैपिंग नहीं है। तो आपको इनकी डेफिनेशन याद नहीं रखनी है, देखो पढ़ो और जाने दो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि सबसे बड़ी कौन सी होती है? वेंडरवॉल, फिर होती है मेटालिक, और इनमें सबसे छोटी कौन सी रेडियस होती है? कोवेलेंट रेडियस होती है। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं डेटा के ऊपर जो यहां पे इसने दिया हुआ है। तो आप देखें एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस द पीरियड, तो लिथियम 152 लेफ्ट चलने पर डिग्रीज होगी, बेरिलियम 111, बोरोन 88, 77, 74, 66, 64। सर क्या वैल्यू याद रखनी है? नहीं नहीं नहीं, याद बात कुछ नहीं रखना, ट्रेंड देखना है कि लेफ्ट राइट चलने पर डिक्रीज हो रही है। ये देखो थर्ड पीरियड में भी लेफ्ट राइट चलने पर साइज क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। डाउन द ग्रुप चलोगे तो देखो साइज इंक्रीज हो रही है, हेलोजन्स के लिए डेटा दिया हुआ है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ये जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं। इन जनरल लेफ्ट टू राइट चलने पर, इन जनरल लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये आपका जनरल ट्रेंड है, सही है? चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चलते हैं। सेम उसी ट्रेंड को इसने ग्राफ के ऊपर दिखा दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सेम चीज है, एक बार टेबल दी है और एक बार उसकी जगह पर आपको क्या दे दिए हैं? ग्राफ दे दिए। तो कुछ याद बात नहीं करना है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं आयनिक रेडियस पर। बहुत ही आसान और लेकिन काम की बहुत है। आयंस की अगर आप बात करें तो आपके पास दो तरह के आयंस होते हैं, है ना। आयंस जो आपके पास होंगे वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरे कौन से होते हैं? एनायंस, जिनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सीखा हुआ आप लोगों ने? तो पढ़े, द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन, व्हेरएस गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन लीड्स टू एन एनायन। हम अच्छे से जानते हैं। तो जैसे मान लो आपके पास ये ऑक्सीजन है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ही आसान है ये। तो फिर इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे हम लोग, पहले आप समझ लो, फिर पढ़ने में आपको ज्यादा मजा आएगा। तो ऑक्सीजन को अगर आप देखो तो उसमें 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही ना। ऑक्सीजन न्यूट्रल है, और एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसका एक एनायन बना दूं O माइनस, तो देखो नेगेटिव चार्ज आने से एक प्रोटॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किस पे पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स पे। अब इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अगर मैं इससे O2 माइनस बना दूं तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन 8 ही रहेंगे, सही है। अभी आप क्या करो, O से बनाओ O प्लस। तो जब आप O से O प्लस बनाओगे एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। ध्यान रखना, चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटम पे चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। O प्लस से आप बनाओ O2 प्लस, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर 8 प्रोटॉन्स होंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? अब अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप फोकस करें या ध्यान से सुने,
यहां पर 8 प्रोटॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, यहां पर 8 प्रोटॉन मिलकर 9 इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं, और यहां पर वही 8 प्रोटॉन मिलकर 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। बताओ अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा कहां होगा, जहां 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, या फिर जहां 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं? सही ना, ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कहां पर होगा, जहां पर 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो आप देखें यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कम, यहां अट्रैक्शन फोर्स और कम, साइज का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा। और आप यहां देखो, अब वही 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स यस बढ़ गया होगा, तो साइज और कम हो जाएगा। यहां वही 8 प्रोटॉन सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स और बढ़ गया, साइज और कम हो गया है। तो आप देख पा रहे हैं कि एक कैटायन जो है, एक कैटायन वो अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है, छोटा है, और एक एनायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से साइज में क्या है, बड़ा है। और जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर आता जाएगा उसका साइज उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उस पर आता जाएगा उसका साइज उतना ही कम होता जाएगा। इसको हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पी बाई ई रेशियो। अगर आप इधर से इधर चलो तो पी बाई ई रेशियो बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो बताओ साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। सॉरी एक सेकंड, अच्छा ये पूरा ही शिफ्ट होगा, कोई बात नहीं, चलो ठीक है ना। तो आप देखो पी बाई रेशियो कैसे निकालेंगे, देखो यहां अगर मैं इसका पी बाई रेशियो निकालू ओ टू प्लस का, तो वो कितना आ जाएगा, 6 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन 6, 1.3 के आसपास। अगर आप O प्लस का निकालो 8/7, 1.1 के आसपास। O का निकालो तो 8/8 कितना हो गया, 1। इसका निकालो 8/9, 0.9872 था ना, 0.88 के आसपास। इसका निकालो 8/10, ये 0.8 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि इधर से इधर जाने पर पी बाई ई रेशियो कम हो रहा है, इधर से इधर जाने पर पी बाई ई रेशियो बढ़ रहा है। ये टेक्निकल टर्म है, पी बाई ई रेशियो बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन्स ज्यादा हैं और इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज कम होगा, अट्रैक्शन फोर्स को बढ़ना ही बढ़ना है। और जब भी कभी भी कहीं भी अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। चलिए पढ़ें इस पैराग्राफ को, आइए। आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस इन आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं उनके अंदर, याद रखने की जरूरत नहीं। इन जनरल द आयनिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट द सेम ट्रेंड एज द एटॉमिक रेडियाई। जनरली अ कैटायन इज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम बिकॉज It has fewer electrons while its nuclear charge remains the same. इसमें electrons कम हो गए लेकिन nuclear charge, number of protons क्या है, same है. The size of an anion will be larger than that of the parent atom because addition of one or more electrons would result in increased repulsion among the electrons and a decrease in effective nuclear charge. तो anion में number of electrons ज्यादा हो गए हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया है, कम हो गया। ऑब्वियसली रिपल्शन बढ़ गया तो अट्रैक्शन कम हो गया है, वो ये कह रहा है। सो फॉर एग्जांपल द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोरीन एफ माइनस इज 136 वेयर एज एफ इज 64। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन का डेटा दिया है इसने, रेडियस फ्लोरीन की है 36 पिकोमीटर, एफ माइनस की रेडियस उससे कहीं ज्यादा 100 का चेंज आ गया है। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ते देखो रेडियस में कितना डिफरेंस आ रहा है ना। और अगर आप F प्लस ले लोगे तो उसकी साइज और कम हो जाएगी। तो F प्लस वैसे बनता नहीं है इसलिए उसमें लिखा नहीं है, पर यहां देखो अगर आप देखो सोडियम और Na प्लस, तो सोडियम की रेडियस कितनी है 186 पिकोमीटर और Na प्लस की रेडियस उससे बहुत कम है विच इज 95 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट हाफ हो गई है। सो ये चीज आप जरूर 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 ध्यान रखें कि कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा होता है, और एक एनायन जो है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। और दूसरा एक और चीज आप ये लिख सकते हो कि जब आप साइज ऑफ आयन की बात कर रहे हो, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज
एंड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा, क्या ये वापस जाओ, नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही कम होगा. अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं. सही है, चलिए अब बढ़ते हैं यहां से और आगे. देखिए क्या कह रही है एनसीईआरटी. When we find some atoms and ions which contain the same number of electrons, we call them isoelectronic species. तो देखो यहां से आपके पास एक और ट्रेंड आएगा isoelectronic species का. So, isoelectronic species क्या होती हैं? These are simple species, species having. अब species में ना atoms, ions, molecules सब आ जाते हैं. ठीक है, तो species having same नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. ऐसी स्पीसीज जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. आपके सामने लिखी हुई है, आपको रटने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हो. देखो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, उस पर माइनस लगा दो तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे. ठीक है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उस पर 2 माइनस लगा दो तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना. नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, उस पर 3 लगा दो तो उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. ऐसे सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे. मैग्नीशियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कम कर दो 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे. तो इन्हें हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज. अब ध्यान से सुनना, आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. बताओ नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7. तो नाइट्रोजन के न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज हो गए पर प्रोटॉन्स इसके पास 7 ही हैं, इसके पास प्रोटॉन 8 ही हैं, इसके पास प्रोटॉन 9 है, इसके पास प्रोटॉन 11 है और इसके पास प्रोटॉन 12 है. अब आप ही मुझे बता दो कि यहां पर अट्रैक्शन फोर्स कहां ज्यादा होगा, नाइट्रोजन में या मैग्नीशियम में, बताओ. है ना, दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा प्रोटॉन्स यहां पर है. ठीक है, तो आप इसे बोलते हो P/E रेशियो. प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो है वो इंक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज. तो अगर प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो बताओ अट्रैक्शन फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा. और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो बताओ साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा ना. तो यहां पर साइज सबसे कम होगा तो इनके साइज का ऑर्डर ये बन जाएगा. सो आपको यहां से क्या सीखने को मिल रहा है कि भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपके पास एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है, साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज, तो वो सीरीज में जो साइज है वो नेगेटिव चार्ज के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पॉजिटिव चार्ज के जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यानी नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही बड़ा ये, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा साइज उतना ही कम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए. अब मेरी एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपके सामने क्वेश्चन आए और उसमें अलग अलग एटम्स पर चार्ज हो तो सबसे पहले चेक करो कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या फिर नहीं है. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, नीट जेई दोनों के अंदर ही आइसोइलेक्ट्रॉनिक की साइज कंपैरिजन क्वेश्चन कई बार पूछे गए. जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास है P3- S2- Cl- K+ Ca2+, इनकी साइज का ऑर्डर देखो तो सबसे पहले चेक करो कि क्या ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. तो देखो इसके पास 15 और 3 18 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 15, 16+2 18 इलेक्ट्रॉन, 17+1 18 इलेक्ट्रॉन, 19-1 18 इलेक्ट्रॉन, 20-2 18 इलेक्ट्रॉन. जी हाँ, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है. तो अगर आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सोचने का ही नहीं, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज साइज भी उतना ही ज्यादा, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज साइज क्या होगा उतना ही कम होगा. तो ये आपके पास सिंपल सा यहां पर ऑर्डर फॉर्म होगा. सही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को. चलिए और बढ़िया है, आगे चलते हैं. द कैटायन विद द ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज विल हैव अ स्मॉलर रेडियस.
बिकॉज ऑफ द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस. उन्होंने बताई दिया आपको, एन आयन विद द ग्रेटर नेगेटिव चार्ज विल हैव द लार्जर रेडियस. इन दिस केस द नेट रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विल आउटवे द न्यूक्लियर चार्ज एंड द आयन विल एक्सपेंड इन साइज. तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिपल्शन ज्यादा होगा, साइज बढ़ेगा. प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा है तो रिपल्शन कम होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा और साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो ये आपकी आयनिक रेडियस की पूरी कहानी है जो एनसीईआरटी में आपको गिवन है. कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, Mg, Mg2+, Al, Al3+. तो देखो एक है Mg और एक है Mg2+. मैंने आपको भी सिखाया कैटायन हमेशा अपने पेरेंट एटम से क्या होता है, छोटा. सही है. सेम इसी तरह से Al3+ जो है वो एल्यूमिनियम से साइज में क्या होगा, छोटा होगा. ये तो ही बात. अब हम अगर देखें मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, देखो पहले मैग्नीशियम आता है पीरियड टेबल में, फिर एल्यूमिनियम. तो लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज क्या होता है, हाँ डिक्रीज होता है. तो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा होगा. ठीक है. अच्छा Al3+ तो Al3+ एल्यूमिनियम से छोटा होगा. तो स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा, Al3+ का स्मॉलेस्ट. अच्छा आपने देख लिया कि Mg जो है वो Mg2+ से बड़ा होगा. तो अगर आप लार्जेस्ट साइज देखो तो इसका आ जाएगा. अभी एक और चीज समझो, हमने ये कर लिया, इन दोनों को तो कंपेयर करो. तो Mg2+ और Al3+ आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन. तो साइज में Mg2+ बड़ा होगा, होगा ना. तो ओवरऑल देखो सबसे बड़ा कौन होगा, Mg. ठीक है. Mg के बाद अगला नंबर किसका आएगा, Al. फिर आएगा Mg2+ और फिर कौन आएगा, Al3+. तो स्मॉलेस्ट तो कौन हो गया, Al3+, और लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, Mg. पढ़ो, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, कैटायंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम्स, अमंग आइसोलेटेड स्पीसीज द वन विद द लार्जर पॉजिटिव न्यूक्लियर चार्ज विल हैव स्मॉलर रेडियस, हेंस द लार्जेस्ट इज Mg एंड द स्मॉलेस्ट इज Al3+. तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये आपका लॉजिक है. सेम लॉजिक को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते. आई बात समझ में. तो ये थी आपकी पहली प्रेडिक्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एटॉमिक रेडियस. आज हम ये तो कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आयनेशन एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि एनसीईआरटी में आयनेशन एंथैल्पी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी हुई है. तो यह है आपका एनसीईआरटी महानिचोड़, जहां पर एनसीईआरटी के एक शब्द भी नहीं बचेगा जैसे आपने स्किप किया हो, और हर शब्द का मतलब आपको इस तरह से इन शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में मिलेगा. आपको सिर्फ एक बार ये नोट्स बनाने हैं, उसके बाद दोबारा एनसीईआरटी देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी.